ये टीवी कहाँ गिरा समय ढीला करना।
निकालना, ऐसे पकड़ के सीने को बाहर निकालना, और ये पूरी तरह एकाग्रता के साथ प्रभु का ध्यान चिंतन करते हुए सांस भरते हुए ये घुटने को ऊपर ले जाना, सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे ले जाना। कभी भी जंघाओं में दर्द ना हो, कुल्हे में दर्द ना हो, सीना बाहर निकला हुआ ऐसे। फिर अगला अभ्यास हाथ को आगे किया, सांस भर के और छोड़ते हुए अंगुलियों को जोड़ों को मोड़ना है ऐसे, मुट्ठी नहीं मांगना है। एक एक अंगुली का जो जोड़ होता है ना उसको मोड़ना है सांसों के साथ ऐसे। सांस भर के खोलिए, सांस को छोड़ते हुए जोड़ को मोड़िए हाथ, जैसे हम कोई लोटा को पकड़ते हैं उस तरीके से, और पूरा वजन दीजिए इस पर, लगे कि 20 kg का मैं भार उठा रहा हूँ उनके अंगुली से। अगला ध्यान और से बंधे ले गया और ऐसे मुट्ठी को बांधा, पूरी ताकत लगा के मुट्ठी को दबाते हैं इसे। कभी भी नहीं रहा ये तो मुट्ठी और संजय के लिए करेगा, और शाम को भरते पूरे जोर से घुमाए इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे फिर सांसों को भरते हुए ऐसे पूरा इसको खींचिए ताकत लगा करके। इसमें मेहनत लगता है, कभी भी यहाँ से लेकर के और जीवन भर कभी दर्द नहीं होगा। पूरी ताकत लगाइए बहन लोग ऐसे, जल्दी जल्दी नहीं करना, ताकत लगा करके झटके से फेंकना, जोर लगा। फिर अगला अभ्यास बाएं पैर को नीचे, दाहिना का ऊपर, और ये दोनों हाथों को आपस में ऐसे सजाया और सांस करके बिल्कुल सीधा करिए, और बाया हाथ को बाया अपनी तरफ, दाहिना अपनी तरफ, दोनों को अलग अलग खींच रहा है। पूरे आराम से करिए 3-3 बार अभ्यास, बाया हाथ अपनी तरफ, दाहिना हाथ भी अपनी तरफ। फिर अगला अभ्यास के भाग का जाकर बस, और पूरी ताकत से हाथ को माथे की तरफ और माथे को हाथ की तरफ धक्का लगाना, जिसे ताकत में आपको पूरा लगाइए, माथा अपने आप काम संपन्न करेगा, कांपेगा। ये हमारे मस्तिष्क को जिसके अंदर नकारात्मक विचार बार बार पैदा होते हो, जिनको अनिद्रा की शिकायत हो, जिनको माइग्रेन की शिकायत हो, जिनको सर दर्द रहता हो, ये ऐसा अभ्यास प्रतिदिन करे और तनाव को क्रोध को इससे मुक्ति पा सकते। फिर अगला अभ्यास ये कंधों के लिए तनाव भरके ऐसे इससे जीवन भर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का दर्द हमें नहीं हो सकता है। धीरे धीरे सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे, अभी हम हल्की सी बीमारी हो जाए डॉक्टर के यहाँ अपने जीवन की गाड़ी कमाई को दे आते हैं। आज हमें याद रखना है, यदि हमें कहीं दर्द हो जाए किसी भी तरह की अनियमितता हो,
फिर बाई तरफ, फिर दाई तरफ, छोड़ते हुए बाई तरफ, फिर भरा छोड़ते हुए दाई तरफ, फिर शाम को भरा छोड़ते हुए बाई तरफ, फिर दाई तरफ वालों को तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे।